तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग था वो मैंने रात को ही शुरू कर दिया था। अम्मी से सर में तेल की मालिश करवा रही थी और अम्मी कह रही थी कि ये तुम मेरी वीडियो क्यों बना रही हो। फिर सुबह हो गई और सुबह उठ के भाई फ्रेश वगैरह हो के अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। आज मैंने अम्मी से नाश्ते में बनवाया था अंडा और पराठा। मैंने कहा अम्मी मैं सुबह पराठा खाऊंगी, वैसे तो मैं ब्रेड खाती हूँ लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का, तो मैंने कहा अम्मी मैं भी पराठा ही खाऊंगी। और मैं वीडियो बना रही थी और मेरा भाई जो है ना नाश्ते से पहले ये सारा दस्तरखान लगाता है और चाय जो है ना मिक्स करना इसी की ज़िम्मेदारी, और दस्तरखान लगाना भी क्योंकि मैं अम्मी की किचन में हेल्प कर रही होती हूँ। तो ये सारे काम करने के बाद अम्मी ने मुझे दे दी सब्ज़ी। अम्मी ने कहा पहले जल्दी से तुम ये मटर छील के दो क्योंकि मुझे बनाना है मटर आलू और कीमा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ सॉरी थोड़ी सी सर्दी में नहा कर आई हूँ ना, तो मेरी आवाज़ कप कप आ रही है। सो मैं जो हूँ नहा कर आई हूँ और सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही है क्योंकि आज जो है ना काफ़ी कराची में भी सर्दी आ गई है और मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है। और मुझे करनी थी अभी अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो शूट्स, क्योंकि जो रोशनी होती है उसमें अच्छी वीडियो शूट हो जाती है, उसके बाद अंधेरे में तो फिर लाइटनिंग आती नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अभी मुझे वो काम भी करना है। लेकिन फ्रेंड्स, जब से मैं नहा के आई हूँ तो मेरा दिल कर रहा है बस ब्लैंकेट में घुसो और सो जाओ, ना कोई किचन के काम करो ना कोई घर के काम करो, सिर्फ आराम आराम और आराम करो। लेकिन हमें फिर भी करना पड़ेगा काम, तो करते हैं काम। और आज जो है फ्रेंड्स, मुझे जाना है अपनी कज़न्स के साथ लकी वन, तो आपको भी लेके चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे हम लोग वहाँ क्या क्या इन्जॉय करते हैं और क्या क्या मज़े करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। और आप लोग जो है मेरी वीडियोस पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियोज़ को वॉच नहीं कर रहे हैं, अब मैं आपकी वजह से रेगुलर व्लॉग बना रही हूँ। आप लोगों ने देखना है और उसे लाइक करना है और शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलें, अब चलते हैं जल्दी से, देखते हैं कि अम्मी ने खाने में क्या बनाया है, क्योंकि अम्मी नाराज़ हो रही हैं। अम्मी मुझे कह रही थी कि मैंने कीमा आलू मटर बनाया है। हाँ, मुझे याद आ गया, अम्मी ने बोला मैंने कीमा आलू मटर बनाया है, तो चलो आओ मेरी भी वीडियो बना लो, अम्मी को भी शौक आ रहा है मेरी वीडियो बना लो। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी जब मैं खाना खाऊँगी तो बनाऊँगी। तो चलें अब किचन में चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब मैं उठ गई हूँ और चलें अब चल के देखते हैं कि किचन में क्या। तो अम्मी मुझे बुलाने ही आई थी कि बेटा आ जाओ और गरम गरम खाना खा लो, तुम्हारी रोटी मैंने तैयार कर दी है। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल इतनी हल्की गैस आ रही होती है कि रोटी के बजाय तो ना पापड़ ही बन रहे होते हैं। तो अम्मी ने बनाया हुआ है ये मज़ेदार सा कीमा आलू मटर और मेरी गर्मा गर्म रोटी भी तैयार है। तो चले अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, क्योंकि जल्दी खा लेते हैं, छोटा होता है और जल्दी से गुजर जाता है खाना खाने। तो खाना खा लिया और उसके बाद मैंने चाय भी पी ली, और चाय के साथ जो थे ना मैंने खाए अपने भाई के ये कोई स्नैक्स रखे हुए थे, मैंने चुपचाप ये खा लिए। मैंने कहा जल्दी से खा लेती हूँ, अभी तो वो नीचे गया हुआ है। और फिर मैं आ गई लकी वन। और फ्रेंड्स, यहाँ आके जो मेरा सबसे बड़ा टास्क था वो था मुझे अपनी कज़न्स को ढूंढना था कि वो कहाँ आया गायब है। तो सबसे पहले तो मैंने आके उनको ढूंढा और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो चलें चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी कज़न है, ये डरती है, इनको बहुत डर लगता है लिफ्ट से जाने में, तो इसकी वजह से हम जाते हैं इनकी वजह से सीढ़ियों से। ये जुल्म है हमारे ऊपर, हम मासूम लोगों पे। हाँ, बस ये चाहती है हम कमज़ोर हो जाए चल चल कर। और फाइनली हमें फ़ूड कोर्ट में जगह मिल ही गई बड़ी मुश्किलों के बाद। और हमने वहाँ जाते ही सबसे पहले खाई आइसक्रीम, क्योंकि अभी खाना आने में टाइम था, और फिर आ गया हमारा खाना। तो चलिए अब खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं जो थी वो आ गई घर, और घर आके मेरा भाई लेके आया हुआ था पेस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का दिन, और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही इन्जॉय किया आज मैंने अपनी कज़न्स के साथ लकी वन में। बहुत ही मज़ा आया, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, इसीलिए मैं कोई वहाँ की ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि भाई सबकी प्राइवेसी भी होती है ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो वहाँ नहीं शूट करी। और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच किया करें। और सैटरडे को जो है मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब पर, सो सबने जो है मेरा लाइव ज्वाइन करना है। और जब तक आप सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।